मोस्टली आपके रैप में इतनी गालियाँ क्यों होती यार? यार एक तो ये सवाल गलत है, अच्छा ठीक है, मोस्टली नहीं, दो गानों में है, ठीक है, मेरे अभी तक 7-8 गाने हैं। सबसे फिल्मी लौंडा राज जोंस और आज मेरे साथ मेरे शो पर लाइव एक्सक्लूसिव मौजूद है हमारे गुरुग्राम का बहुत ही लिट और एक नंबर रैपर जिसका रियल नेम है अंकित एंड पॉपुलरली नोन एज 47। तालियां। क्या चल भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया भाई, और सबसे पहले कांग्रेचुलेशन भाई आपका ब्रांड न्यू रैप सॉन्ग चल निकल, जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, यू नो, सब रफ्तार भाई ने भी शेयर मारा। सो मुझे इसकी स्टोरी बताओ पहले यार, गाने की। चल निकल की स्टोरी लाइक किस लिए है, किस लिए है और क्यों बनाया? चलने का लाइक लिरिक्स ध्यान से सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसलिए रेगुलरली लोग होते हैं जो आपको आके बताते हैं कि ब्रो ऐसे नहीं है, ऐसा वाला गाना ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान चोते हैं इसको बोलते हैं आके, तो वो डाला भी मैंने उसके अंदर। सो बेसिकली वही है जिसको खुद का नहीं मालूम कि लाइक वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो मेरे को आके बोलते हैं कि ऐसा कर जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम, तो उनके लिए बस कि चलने का चल बागे से, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने मतलब अभी यू नो देखा नहीं है चलने का, उनको बोलो यार फट से जाके देखिए। तो जिस जिसने ये गाना नहीं देखा है प्लीज उसको जल्दी से जाके देखो, शेयर करो अगर अच्छा लगता है, तो नहीं लगता तो भी शेयर कर देना भाई के थोड़े व्यूज बढ़ते हैं। रफ्तार भाई ने शेयर मार दिया यार, मतलब मैं देख रहा हूँ आजकल यू नो बहुत चिल कर रहे हैं रफ्तार भाई के साथ, उनका गाना आ रहा है दिल्ली वाली बातचीत, उसमें भी आप आई थिंक कैमियो कर रहे हो। हाँ, सो बेसिकली कैमियो नहीं है, कैमियो वुड हैव बीन अगर 1-2 सेकंड का सीन होता तो, पर मेनली जहाँ पे उनका परफॉर्मेंस वाला शॉट है, जहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे हैं अपने लिरिक्स गाते हुए, तो उनके पीछे पूरा डीएनएच गैंग है और मैं हूँ एज अ रैपर। So, yeah, उसके अंदर बैकग्राउंड डांसर है तुम्हारा भाई। अच्छा, नाच रहा हूँ मैं पीछे। सही है, सही है। और मेरे भाई यू नो रफ्तार भाई ने आपके इससे पहले वाला भी गाना जो पागल है क्या, वो भी शेयर किया था, ये वाला भी शेयर किया था। तो जब आप रफ्तार भाई को सॉन्ग्स अपने भेजते हो तो वहाँ से मोस्टली क्या रिस्पॉन्स आता है? जनरली मेरे को लगता नहीं कि लाइक वो देखेंगे भी या नहीं, बिकॉज अभी मैं जिस लेवल पे हूँ मेरे को इतने मैसेज आते हैं, तो उनका मेरे से कम 200-300 गुना बड़ा लेवल है, तो उनको लाइक डेली कितने मैसेज आते होंगे, पर फॉर्चुनेटली वो देख लेते हैं और फॉर्चुनेटली से ऊपर जो फॉर्चुनेटली होता है उनको अच्छा लगता है तो शेयर कर देते हैं। इस बार तो दो बार किया मैंने, इट वाज नाइस, मेंशन हो सकता हूँ। हाँ, चलो सही, सही है भाई। अच्छा मेरे को बताओ यू नो अंकित आपका रियल नेम है, ये 47 ये क्या स्टोरी मेरे भाई? मतलब ऐसे कुछ दिमाग नहीं लगाया था, सामने एक दिन मेरे को देख गया था लाइक अगर आपने 11th किया, अगर 8th क्लास की भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसके अंदर पीरियोडिक टेबल होता है, आई थिंक 9th में आता है, 9th होता है। सो अंकित गुडवानी का शॉर्ट अगर करोगे तो बनता है AG, AG इज द साइंटिफिक नेम फॉर सिल्वर, और सिल्वर में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं, 47 होता है। अब मैंने दिमाग नहीं लगाया था कि सिल्वर के अंदर इतने प्रोटॉन्स होंगे तो मैं अपना नाम ही रखूंगा, वो ब्लॉक के अंदर लिखा होता है AG, उसके नीचे लिखा होता है 47, मैंने कहा ये नाम है तुम्हारे भाई का 47 में दो टीज के, बिकॉज अगर मैं FORTY करता तो गूगल पे रिसर्च करता तो उनको मैं नहीं मिलता, वो नंबर के बारे में विकिपीडिया खुल जाता। आज करोगे तो पहले गूगल बोलते हैं कि क्या तुम्हारा मतलब है FORTY वाला, मैंने कहा नहीं 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 मेरा मतलब है FORTY वाला ना, गूगल मेरे को पहचानता है, अभी गूगल करोगे तुम्हारा भाई का फोटो होता है। ये बड़ा स्मार्ट प्ले आपने यहाँ पर करा है। अच्छा जब हम नाम नो योर आर्टिस्ट नेम इज 47 जब आपने रखा तो उस टाइम पे मतलब आसपास के लोग क्या कुछ ऐसा था कि ये क्या नाम है यार? समझ गया मेरे को। सबसे मतलब लोगों को पता नहीं क्यों क्रिएटिव लगता है कि 47 की जगह जनरली दे लाइक ओ 47 ही तो कोई भी 47 कर सकता है, लाइक डू दैट्स द बेस्ट दे कैन डू, लाइक मतलब हर सबके पास यही है, अगर कोई लाइक हेटर भी है वो बेइज्जती करना है वो 47 मोर लाइक 47 एंड दैट्स फाइन, दैट्स हाउ क्रिएटिव दे कैन बी मैन, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, और कुछ नहीं है उसमें। अच्छा मुझे बताओ यू नो आपकी लाइफ में रैप म्यूजिक कैसा है और किस एज में है? एज मैं 12वीं में था, सो एज हो गई आई थिंक 17 हो गई है ना। हाँ, सो उस टाइम मैंने पहली बार सुना था, आई थिंक 2009 एंड की बात है, तब मैंने सुना था और मैंने पहली बार सबसे पहले रैप सुना था जॉन सीना का। अच्छा। हाँ, और मुझे सोचो मेरे को जॉन सीना से ही इतना अच्छा लगा रहा, शुरू में एमिनम सुनता था मैं और लाइक और जल्दी डेवलप करता अपने आप को। हाँ। जॉन सीना के बाद मैंने फिर एमिनम सुना और फिर एमिनम को ही सुनता गया, तो वहाँ से शुरू हुआ रैप, अपने क्लास के बच्चों को करते हुए देखता था मैं, बहुत ही अजीब और मतलब बहुत अजीब लगता था रैप उस टाइम पर। तो मेरे ख्याल 2008-09 की बात करो, उस टाइम पर बहुत सारे इंग्लिश करते थे। हाँ, जनरली लोग इंग्लिश करते थे, मुझे लगता था, मेरे को लगता नहीं था मेरे अलावा और कोई रैपर है इंडिया में, इंटरनेट नहीं था ना उस टाइम। हाँ, तो मेरे को लगता भाई मैं ही कर रहा हूँ, मैं कुछ बन जाऊंगा तो इंडिया का पहला इंग्लिश मेरे को थोड़ी पता नहीं, मेरे से 10 साल पहले और पहले से लगे हुए हैं। तो और मुझे याद है कि इन्हें स्टार्टिंग में आप इंग्लिश में करते थे फिर आप हिंदी में, ये क्यों करा? इंग्लिश खत्म हो गई सारी? इंग्लिश सारी खत्म नहीं हुई, इंग्लिश करना मेरे को अभी भी, देखो सिंपल सी बात है, ये सिर्फ मेरा ही नहीं, जितने भी इंग्लिश में करते थे ना सारे हिंदी में आए, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ नेजी। नेजी का पहला गाना आया था आफत, उससे पहले कोई भी हिप हॉप अंडरग्राउंड ट्रैक कोई वायरल नहीं हुआ था,
आफत आया, आफत वॉज इन हिंदी, लोगों के समझ में आने लगा, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, एंड वाला एक वर्स हाँ इंग्लिश में आई एम लॉकिंग द पॉकेट, दैट दैट्स क्रिंज मैन, वो अच्छा नहीं लगा मेरे को, पर जो उससे पहले जो हिंदी वाला सीन था वो बहुत गलत था, एंड देन फिर डिवाइन हैपेंड, डिवाइन भी पहले इंग्लिश में करता था, उसने हिंदी में किया, वो भी वायरल हुआ, तो बस 1+1=2 करा, तो यही करना चाहिए मेरे को लगा। मेरा मेन मुद्दा ये था कि हिंदी में करके पॉपुलर होएंगे, उसके बाद फिर बाहर निकल के फिर इंग्लिश में करेंगे, बिकॉज इंग्लिश में करने का बहुत मन था मेरा, पर फिर हिंदी में मजा आने लग गया, अभी लगता है कि मतलब हिंदी में ही करेंगे कुछ, लाइक हिंदी को और कूल बनाना है, वैसे वाला सीन। तो भाई कभी ऐसा है कि फ्यूचर में ना जब बाहर जाओगे तो वहाँ पर इंग्लिश में करोगे, वहाँ पर भी अपनी मातृभाषा में करोगे हिंदी में? बाहर जाएंगे तो इंग्लिश में करेंगे लोग, बाहर लाइक अगर अपनी ऑडियंस है तो कोई मतलब नहीं बनता इंग्लिश में करने का, लेकिन बाहर अगर हिंदी वाली ऑडियंस ही कम है तो उसका भी अगर हिंदी में करने का मतलब नहीं बनता, लेकिन अगर मौका मिलता तो इंग्लिश जरूर करूँगा दोबारा। अच्छा मेरे को बताओ कि स्टार्टिंग आपने की थी जॉन सेना, देन एमिनेम, इसके बाद उस टाइम पे और कौन कौन से रैपर्स थे जिनसे आप इंस्पायर थे यार? मोस्टली एमिनेम था, मोस्टली यार मैंने और कोई सुना ही नहीं था। अच्छा, विच इज़ वेरी रॉन्ग ऑन माई पार्ट, क्योंकि मेरे को लाइक एमिनेम सुना मैंने तो उसके टाइप का ही वो एग्रेशन मेरे अंदर आ गया, तो आज भी लाइक अगर सुनोगे चल निकल में सुनोगे पागले क्या में सुनोगे वो गुस्सा अभी भी दिखेगा आपको, तो मेरे को नहीं करना चाहिए था वो चीज़, मुझे और रैपर्स को भी सुनना चाहिए था, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि किसने इंस्पायर किया तो एमिनेम के अलावा और कोई नहीं है, सिर्फ वही है, ऐसा नहीं कि और मेरे को अच्छे नहीं लगते, लेकिन इंस्पिरेशन उधर से ही मिला। अच्छा मेरे को बताओ जब फर्स्ट टाइम आपने अपना सॉन्ग रिलीज किया था वो भी इंग्लिश में था मुझे याद है, तो तब उस टाइम पर क्या फीडबैक था? और इतने व्यूज नहीं है, मैं चेक कर रहा था कि जब से आपने हिंदी में चालू किया उसके बाद तो सब लाख पार कर दिए व्यूज, उससे पहले जो इंग्लिश में थे वो सारे मतलब 20,000-25,000, तो क्या रिस्पॉन्स था जब फर्स्ट 20-25,000 भी अभी हुए जब पब्लिक वापस जब, हाँ जब हिंदी में जब मैंने करना चालू किया उसके बाद जब मेन पब्लिक मेरे पास इकट्ठी हुई तो उन्होंने सारा खोजबीन खोदना पूरा चालू किया कि भाई ने और क्या क्या बना रखा है, फिर वो पिछले 6 साल पहले 7 साल पहले वाले जितने वीडियो थे कुछ मैंने डिलीट कर दिया उसमें से, जो मेरे को खुद को नहीं अच्छे लगते, चलो तक कि ये पाप किया था मैंने, हाँ ये क्या कर दिया मैंने भाई, मतलब ऐसा नहीं कि क्योंकि इंग्लिश में थे वो, इसलिए कि शुरू का जो काम होता है ना लोगों का वो हमको लगता है भाई क्या तबाही मचा दी हमने, पर वो होता खराब है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कोई भी रैपर है कोई भी आर्टिस्ट है किसी भी चीज़ में शुरू का काम खराब ही निकलता है, लेकिन उस बंदे को लगता है कितना सही हो रहा है चीज़, हाँ वो 5-6 साल बाद आप जब पीछे मुड़ के देखते हो सकता है जो आज मैं काम कर रहा हूँ मेरे को 5 साल बाद सही ना लगे। बात अगर आप कर रहे थे व्यूज़ की, फर्स्ट सॉन्ग जो आपने रिलीज किया तो क्या रिस्पॉन्स था उसका? रिस्पॉन्स था लोगों को बहुत पसंद आया था, इनफैक्ट वो ट्रैक काइंड ऑफ वायरल हुआ था एक छोटी सी रैप कम्युनिटी के अंदर, उस गाने का नाम था ट्विंकल ट्विंकल एंड पॉर्न स्टार, अगर आपने सुना हो तो। अब नहीं मेरे ख्याल से, हाँ अब हटा दिया, नहीं नहीं वो है वो है, वो है, लोग अभी सुनते नहीं हैं उसको, बिकॉज उसके बाद और भी अच्छे अच्छे गाने आ गए, वो किसी गाने की बीट उठाई थी हमने तब हमको मालूम नहीं था कैसे क्या होता है, उसके ऊपर हमने रिकॉर्ड करके डाला था और वो सारा चल गया था बिकॉज ऑफ द हुक ट्विंकल ट्विंकल एंड पॉर्न स्टार, वैसे करके कौन ज़्यादा देखते हो आउट नहीं जवान लड़के हो दिल्ली के, ऑब्वियस सी बात है ना, अब कैसे देखेंगे ब्रो, अब इतना बिजी हो मेरे ख्याल से रैप बना रहे हैं, नहीं नहीं ब्लॉक हो गई है ना। अच्छा नहीं, कुछ बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाती है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, फिर वो भी बंद करा देंगे। हाँ बता देंगे। अच्छा मेरे को बताओ यार, आप इतने मल्टी टैलेंटेड हो, म्यूजिक भी अपना खुद कर रहे हो, ऑब्वियसली रैपर तो खुद ही कर, तो सारा डायरेक्शन में थोड़ा बहुत इधर उधर कलरिंग में भी कर लेते हो, सारा इतना सारा कैसे कर लेते हो यार? यार ये मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर कोई मेरे पास म्यूजिक बनवाने आता है और जो मैं उसको प्राइस बोलता हूँ, मैं किसी और के पास जाऊँगा खुद नहीं वो पे कर सकता, मेरे को मालूम है वो चीज़, तो इसीलिए हर बंदे को करना तब तक सीखना चाहिए जब तक वो दूसरे बंदे को अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड दी ओनली रीजन आई एम डूइंग दिस राइट नाउ इसलिए नहीं कि मेरे को इस चीज़ का पैशन है, कि मेरे को एडिटिंग करने का पैशन है या डायरेक्ट करने का पैशन है, बिकॉज मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड है टेंशन, सो हम लोग साथ मिलकर करते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो डीओपी करती है बिकॉज शी हैज़ टू, अगर मैं वीडियो में हूँ तो मैं खुद कैमरा नहीं पकड़ सकता, और जिस दिन अपना सीन सेट हो जाएगा तो फिर हम लोग करना छोड़ देंगे, तो टेंशन सिर्फ डायरेक्ट करेगी, बाकी सारा काम टीम करेगी। टीम हाँ सही है, ये बात अच्छी बात है। और मैं ना एक बार हम याद है किटोसुके आपका इवेंट था, वहाँ मिले थे तो आप भाभी के साथ आते गर्लफ्रेंड के साथ, तो मेरे को ना उस दिन देख के लगा कि जितने भी रैपर्स हैं मोस्टली सबको ना ऐसी गर्लफ्रेंड मिलनी चाहिए, फुल पावर सपोर्ट, जो फुल पावर सपोर्ट करती है, और यू नो आपकी मोस्टली वीडियो डायरेक्टेड बाय, हाँ वही वही, तो वो मतलब क्या आप दोनों मिले कैसे, मुझे थोड़ा ना ये हिप हॉप वाली लव स्टोरी बताना। यार ये हिप हॉप वाली लव स्टोरी नहीं है, ये आर्ट वाली लव स्टोरी, लाइक शी इज इनटू विजुअलाइजेशन के अंदर है, उसका आर्ट दूसरा है, मेरा आर्ट दूसरा है, और दोनों को मिला के जो सारा प्रोडक्ट बनता था रियल इमेज। हम लोग मेरे पिछले ऑफिस में मिले थे, मेरे ऑफिस छोड़ने से 2 महीना पहले। अच्छा हाँ, उधर मैं उसको मिला, फिर उसको मेरा रैप अच्छा लगा, और मैं बहुत इंट्रोवर्ट आदमी हूँ यार, तो
मेरी ऐसे ज्यादा लड़कियों से या किसी से ही बातचीत नहीं होती, पर उससे एक वाइब बैठ गई इंट्रोवर्ट होने के बाद भी। तो मेरे को लगा ऐसे हो रहा है तो इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन अगर मैं एक्सट्रोवर्ट होता हूँ, मैं जो लड़कियों से बात करता ही रहता हूँ, उसमें वाइब बिठाना मुश्किल नहीं होता। पर क्योंकि मैं एक शाय बंदा हूँ और उसमें भी मैं किसी के साथ बात कर पा रहा हूँ अच्छे से, बहुत कंफर्टेबल हूँ उसके साथ। तो प्यार में तो आपकी वाइब बैठ गई है, बट यू नो ये हिप हॉप में जो वाइब, कभी ऐसा होता है कि ऑनेस्ट फीडबैक एक दूसरे को देते कि नहीं ये अच्छा नहीं है, भाभी ने बोला कभी ऐसे? हाँ, पिछले दो गानों में भाई म्यूजिक चेंज करवाया उसने। अच्छा। हाँ, उसने करवाया नहीं है एक्चुअली, गाना बनाने से पहले ना हमेशा मैं उसको सुनाता हूँ। हाँ। वो रैपर नहीं है लेकिन उसका म्यूजिक टेस्ट अच्छा है, तो अगर उसको लिरिक्स हमेशा अच्छे लगते हैं मेरे, मतलब वो भूटान से है जैसे, लाइक उसने हिंदी बोलना ही 5 साल पहले सीखा है लेकिन अभी प्रॉपर बात करती हो हिंदी के अंदर एकदम, मतलब गलत क्या, मतलब फ्लो में गाली भक्ति भाई हो। अच्छा। ऑनेस्टली बहुत बढ़िया, मैंने सिखाई है ऐसे, दिल्ली वाली हो गई मतलब। अरे एकदम दिल्ली भाई, उससे ज्यादा दिल्ली मैं भी नहीं है, इतना दिल्ली है उसमें। तो वो मेरे को जो फीडबैक देती है ना, तो वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे इस वाले गाने की बीट रेबल ने दी थी मेरे को, पर मेरे को ना थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाले, तो मैंने वो गाना मिक्स करके जब उसको सुनाया तो उसने कहा ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे ना, उसको बोला नहीं था कि मैंने डाले, उसने बोला अच्छे नहीं लगे। तो ऑब्वियसली अगर एक बंदा ऑलरेडी बीट बना के बैठा है वहाँ पे, शाउट आउट टू रेबल बाय द वे, वो ऑलरेडी बीट बना के अगर वहाँ बैठा है उसके अंदर मैं अपना एलिमेंट डालूंगा तो वो सारा जेल नहीं होता। तो उसने वो सुन के ही बता दिया और वो मेरे मन में ऑलरेडी था, तो वहाँ से फिर वो कन्फर्म हो गया, वो चीज़ें मैंने हटा दी। लिरिक्स में वो कुछ बोले मैं सुनूंगा नहीं, लिरिक्स में किसी की नहीं सुनता मैं, लेकिन म्यूजिक के अंदर एडिटिंग के अंदर वो फीडबैक देती है तो मैं उसको 99.673% कंसिडर करता हूँ। और वीडियो तो वो करती है। क्या बात है, मतलब ऐसी गर्लफ्रेंड सबको दे। हाँ, भगवान सबको दे, सबको दे। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ, इसके अलावा यू नो आपने रैप के चक्कर में म्यूजिक अपनी जॉब छोड़ दी। हाँ। और अभी आप मेरे ख्याल से म्यूजिक की क्लासेस भी देते हो। हाँ, ये इसके बारे में बताओ थोड़ा यार। म्यूजिक की क्लासेस मैं कॉलेज के टाइम से ही देना शुरू कर दिया था, बिकॉज यू नो बार बार घर से वैसे नहीं मांग सकते। और जॉब छोड़ना मेरा ज़रूरी ही था क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं ऑलरेडी एक, जब मैं लिखने बैठता हूँ ना अपना गाना, तो मेरा ये सीन नहीं है कि मेरे को जल्दी जल्दी निपटाना है। मेरे को ये लगता है कि जब मैं कोई गाना लिखूँ तो उसकी एक एक लाइन ऐसी हो जो किसी ना किसी के सिर में पड़ जाए। जब आप देखते हो ना कि कोई भी गाना आता है, नीचे आप कमेंट पढ़ते हो तो हर बंदा एक एक लाइन लिख रहा था, भाई ये लाइन बहुत सही लगी है। तो मैं चाहता हूँ मेरी गाने की हर लाइन वैसी हो कि कोई ना कोई आगे लिखे भाई ये क्या बात बोल रही भाई ने, मतलब जो पंचेस होते हैं। हाँ, तो उस चीज़ को करने में ही मेरे को इतना टाइम लग जाता है। एक महीने में एक गाना 3 महीने के अंदर, एक गाना 2 महीने में, एक गाना 4 महीने में ऐसा। अब जॉब के साथ वो सारी चीज़ 7 महीने 8 महीने हो रही थी तो मैं कर ही नहीं सकता था। अब अगर जॉब छोड़ूंगा फिर पैसा कैसे कमाऊंगा, तो उसके लिए फिर मैंने क्लासेस देना शुरू किया। सो मैं लॉजिक प्रो सिखाता हूँ, उसकी अच्छी चीज़ ये है कि हर किसी के पास मैक नहीं है, और जो मेरे से सीखना चाहता है वो मैक लेता है, तो मेरे को उसका पैशन दिखता है कि अगर वो सीखना चाह रहा है उसके लिए वो इतना खर्चा कर रहा है तो एक्चुअली करना चाहता है, तो मेरे को सिखाने में भी मज़ा आता है। वो सी मुझे याद है कि आपने एक भाई अपने स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका एक कुछ करके आया था, तब मुझे बताया कि ना बाद में बताया कि वीडियो सारा आपने करा, म्यूजिक खान ने भी किया था। अच्छा मुझे सच बताना भाई, दिल्ली से हो इसलिए या गुरुग्राम से हो इसलिए मोस्टली आपके रैप में इतनी गालियाँ क्यों होती है यार? एक तो ये सवाल गलत है। अच्छा, ठीक है, मोस्टली नहीं, दो गानों में है, ठीक है, मेरे अभी तक 7-8 गाने हैं। हाँ मतलब, हाँ दो गानों में, ठीक है, मोस्टली अगर आप बोल रहे हो तो 50% से ऊपर होना, वो इंग्लिश वालों में नहीं है। हाँ, हिंदी वालों में। सो जो पिछले दो गाने हैं उसके अंदर आप बोल रहे हो इतनी गालियाँ होती हैं, कितनी गालियाँ होती हैं मेरे यार? अगर 2 वर्ड्स है और 2 बार मैं हुक कर रहा हूँ तो टोटल मिला के 50 से ऊपर लाइन है, उसमें 3 शब्द में गलत बोल रहा हूँ। एक लाइन के अंदर 5 से ऊपर शब्द होते हैं, ठीक है, तो आपके हो गए 150 शब्द। 150 में से अगर मैं 3 शब्द कुछ ऐसे बोल देता हूँ जो कि आप अपने घर में नहीं चाह सकते, उसमें दिक्कत क्या है? प्लस दिल्ली से हूँ इसलिए गाली देना जरूरी नहीं है, ये मैं शुरू से करना चाह रहा था, बिकॉज वो जो एग्रेसिव, हाँ वो तो बहुत एग्रेसिव। हाँ, ये 1 of the 3 reasons है कि ये क्यों जरूरी था। अगर मैं गुस्से वाला गाना बना रहा हूँ ना, हाँ, तो भाई वो बिना गाली के मतलब ही नहीं मतलब होता उसका, अगर मैं चीज़ को रियल रखना चाहता हूँ तो। दूसरा मेरा मेन, अगर मैं कोई गाना बनाता हूँ तो मेरा ये दिखाने के लिए नहीं है कि मैं कितना बड़ा रैपर हूँ या मेरे पास कितने पैसे हैं, क्योंकि मैं दोनों चीज़ नहीं है मैं, लाइक ना मेरे पास इतने पैसे हैं ना मैं बहुत बड़ा रैपर हूँ। मैं लोगों को रिलेट करवाता हूँ, और इससे अच्छा तरीका क्या होगा लोगों को रिलेट करवाने का कि मैं वही बात करूँ जो एक्चुअली बात करते हैं। मैं दुनिया का पहला बंदा नहीं हूँ जो गाली दे रहा है, मैं दुनिया का पहला बंदा नहीं हूँ जो किसी गाने में गाली दे रहा है या ऑन स्क्रीन गाली दे रहा है।
ठीक है। और अगर किसी का ये रीजन है कि मैं अपने घर में नहीं सुना सकता, तो ब्रो इससे पहले कौन से रैप तो अपने घर में सुना रहा था। सही बात, वो अलग सीन है। और गाली देना यार, कोई फोर्स नहीं कर रहा तुमको गाना सुनने को। हाँ एग्जैक्टली, इफ यू लव द रैपर, अगर आपको उसे गाने पसंद है तो अगर वो गाली देगा तब भी आप सुनोगे। अगर आपको रैपर पसंद नहीं है और आपको लाइन अच्छी लग रही है, उसके अंदर गाली से उसका मीनिंग बढ़ रहा है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम। जैसे मुझे वो पसंद आया था, फट पंच लौड़े से पांच। हाँ, कुछ नया था। हाँ, अच्छा पहली बार सुना आपने? नहीं नहीं, मैंने पहली बार स्कूल से बोल रहे हैं, हम एक्चुअली बोलते थे लंड से 35। अच्छा हाँ, लेकिन वो थोड़ी सी आज से राइम नहीं हो रहा था। मैं थोड़ा अच्छे स्कूल में था शायद, मैंने आज नहीं होगी। अरे नहीं नहीं, यही तो किया भाई स्कूल में, तभी तो पता लगा कि हिंदी के अंदर का। हाँ, सो बेसिकली हिंदी को अगर और कूल बनाना है हमको, तो हमको वो करना पड़ेगा जो एमएनएम उधर इंग्लिश में कर रहा है। यार लोग फक इतनी प्राउडली फक बोलते हैं, और मैं भैंचोद बोलता हूं तो मैं गवाह। नहीं भाई, मेरे को मजा आता है जब ना, क्योंकि रैप में गाली यूज करता है, मैं जनरली सवाल पूछता था, बट आई लव्ड इट, क्योंकि मुझे पता वो किस स्टेट ऑफ माइंड में उसने रैप ले गया, उसको उस टाइम पे क्या एंगर होगा, क्या गुस्सा होगा, वो फिट आएगा यार। और गाली देना है ना, सिर्फ इसलिए नहीं है, ये मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ, अगर कोई रैपर है जिसको लगता है कि उसके ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते और गाली देने से उसके व्यूज़ आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि और भी दूसरे सॉन्ग्स हैं जिसमें अगर मैं जैसे 150 शब्द बोल रहा हूँ तो 100 शब्द से ऊपर गालियाँ हैं, पर वो चलते नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो होगा, वो मेरे को करना था, वो ज़रूरी था करना, तो इसलिए मैंने डाला उसके अंदर, बिना उसके गाना थोड़ा फीका लग रहा था। गुस्सा यार, अगर आपको किसी पे गुस्सा आता है, मैं तो फिर तो पता ही है। अब मैं यहाँ पे आया, जब से एंटर किया, आपने कितनी बार गाली दे दी होगी, वो भी बिना गुस्से। इट्स इन अ गुड स्पिरिट, हम किसी बंदे को नहीं बोल रहे हैं, स्लैंग में। हाँ स्लैंग में बोलेंगे, अपना स्टाइल है। ठीक है। अच्छा भाई, आपका एक और रैप सॉन्ग है जो कि बहुत इमोशनल है, आपके पापा को लेके आपने बनाया था, वो मुझे बहुत यू नो नेक्स्ट लेवल लगा था। सो पहले मुझे बताओ वो बनाया क्यों था, और यू नो टेल मी अबाउट योर बॉन्ड विद योर फादर। बनाया क्यों था, आई वॉन्टेड टू, मतलब कोई खास रीज़न नहीं है। ओके। पर मैं उस टाइम ना, उससे पहले इंग्लिश में स्पोकन वर्ड कर रहा था, तो ट्रांजिशन बहुत किया, पहले इंग्लिश में रैप था, फिर इंग्लिश में स्पोकन वर्ड, फिर हिंदी में स्पोकन वर्ड और फिर अभी हिंदी में रैप। सो वो आई डोंट नो उसको रैप बोलेंगे या स्पोकन वर्ड बोलेंगे, पर वो सिर्फ अकेला ऐसा गाना है जो 100% मेरी स्टोरी से रिलेट, लाइक पूरा मेरी ही लाइफ का। जनरली अगर मैं किसी से रिलेटेबल गाने करवाता हूँ तो सारे मेरी स्टोरी से इन्फ्लुएंस नहीं होते, मैं कुछ पार्ट किसी का उठाता हूँ, कुछ पार्ट किसी का उठाता हूँ और उसके बाद मैं करता हूँ। पर वो गाना मैंने सोचा ही नहीं था कि वो, मतलब एक तरह से मेरी हिंदी की शुरुआत थी वो, और पहला गाना मैंने अपने डैड के लिए बनाया था, ये करते हैं इसके बाद फिर जो होगा उसको अच्छे से प्रमोट करेंगे। वो गाना मैंने प्रमोट तक नहीं किया, एक बार अपने उधर शेयर किया फेसबुक पेज पे, दैट इज इट। और वही गाना था जिसने मेरे को मैं बनाया, सो वही गाना जिसके पहले सबसे पहले 1 मिलियन व्यूज टच हुआ। बाकी डैड के साथ बॉन्ड तो यार जो सबका होता है वही है, वो सपोर्ट करते थे कि मेरा बेटा रैप कर रहा है, यू नो फुल सपोर्ट है बेटा। हाँ जब तक वो थे तब तक मैंने रैप शुरू ही किया था, इंग्लिश में करता था तो उनको उतना समझ नहीं आता था। ठीक है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता इस गाने को यार। ठीक है भाई। हाँ। अच्छा मैंने सुना कि फ्यूचर में यू नो रफ्तार भाई को आपका काम इतना पसंद आया कि आप और रफ्तार भाई एक कोलैब कर रहे हो, ये बात सच है? कोलैबोरेशन ऐसे नहीं कि रफ्तार का वर्स है, रफ्तार का म्यूजिक है। अच्छा। हाँ तो उन्होंने म्यूजिक बनाया था, वो भी भाई रफ्तार है, वो बड़ी रफ्तार से बना दिया, तो मेरी 15 मिनट में म्यूजिक भी तैयार कर दिया। लाइक उसी टाइम उन्होंने मुझे क्या चाहिए, क्या मैं ये चाहिए वो वहीं बना के और गांड फाड़ गाना म्यूजिक है भाई। अच्छा। बहुत सही, उसमें मेरा और कर्मा का वर्स है। ओके। और कर्मा का वर्स भी मैंने सुना है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ अभी तक। यार पता है मेरे को लगता है कर्मा के जितने भी तगड़े गाने हैं ना, वो तो साले अभी तक आए नहीं है। अभी सोचो कि जो उसकी लो साइड वाले गाने हैं वो लोगों को इतने गांड फाड़ लग रहे हैं। हाँ। तो जो वॉल्ट में से निकलेगा वो तो भाई स्ट्रेट तो भाई है, बहुत गलत। तो ये ट्रैक कब रिलीज होगा? ये तो रिकॉर्डिंग हुआ अभी। अभी रिकॉर्डिंग हुआ? नहीं नहीं, इस पर भाई मोनू बैठ गया इस गाने, मतलब लाइक फ्रेज होता है जब हम कैरम खेलते थे ना, तो दूसरे वाले की जब कोई गोटी जानी होती थी अंदर, तो ऐसे मंत्र मारते इस पे मोनू बैठा हुआ था, ये जाएगी नहीं, ये जाएगी नहीं, उस पे भाई मोनू बैठा हुआ है। एक्चुअली सीन ये है कि कर्मा भी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ। हाँ। ठीक है, लेकिन उससे अलग चीज़ ये है कि 50% ऑफ द टाइम्स वो दिल्ली में होता है, उसके अलावा फिर वो बाहर रहता है, देहरादून में रहता है, फिर उसलिए कुछ टाइमिंग बैठ नहीं पाता। पहले वो बिजी है, फिर वो डाल रहा है, तो मैं बिजी, उसमें रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे उसको। पर वो जिस दिन आएगा वो गाना बहुत गलत है। मैं भाई उसके ऊपर से वो मोनू हटाते हैं बहुत। हाँ, जल्दी वो गाने हाँ, वो गाने आए और हाँ वो गाना रिलीज हो। अच्छा देखो मतलब 47 को तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, लेकिन 47 के अगर फोन चेक करो तो उसके फोन पे किन 3 रैपर के मोस्टली सॉन्ग आप सुनते हो? यार एक गाना जो मैं रिपीट पे सुनता हूँ ना, रिपीट पे मतलब सुनना शुरू किया मैंने पिछले 1-2 हफ्ते से,
एक रैपर है वो उसका एक ही गाना सुना है मैंने, उसका नाम है पैम संगे शायद okay. और गाने का नाम है पक्की गल भाई भाई गाना सुन लेना गांड फटके मतलब भैया 75 पीस हो जाएंगे उसके, फैल जाएंगे, समेटने पड़ेंगे उसको। 47 बोलोगे मैं जा रहा था क्रिंज हो जाएगा, पर बहुत बहुत तगड़ा गाना है वो। एक मेरे को काम 25 बहुत पसंद है, डिवाइन का बहुत लेट गाना है, बहुत बहुत गलत का म्यूजिक भी। हाँ मतलब वो ऐसा गाना है जो मैं लिख ही नहीं सकता क्योंकि वो लाइफ मैंने देखी नहीं है। वो जब आखिरी बोलता है ना कि चिलम तैयार है पीले ना बेटा, मुंबई शहर है चीले ना बेटा, सीधा सीने में बेटा, वो जो बोलता है वो बहुत गलत गाना है ये है। तीसरा लाइक ऐसे कोई स्पेसिफिक गाने नहीं है पर प्लेलिस्ट चलती रहती है वही रैप 91 वाले स्पॉटिफाई नहीं है, उस पर जितने रैपर है सारे बढ़े हैं। अच्छा मुझको ये बताओ यू नो फ्यूचर में यू नो आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो यार सबके साथ ही है जो बढ़िया है आगे मैं कोलैब करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं किसी को अप्रोच नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई नो अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि वो मेरे मैसेज पढ़ेंगे भी, मेरे को ऐसा लगता है। तो एक बार ही थोड़ा सीना चौड़ा करेंगे पहले अपना, मतलब चौड़ बढ़ाएंगे थोड़ी, उसके बाद छप्पन करेंगे सौ करेंगे, उसके बाद फिर लोगों को पूछेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। मतलब अभी जितने भी रैपर्स पॉपुलर हैं सारे ही अच्छे हैं, और इनफैक्ट दो लड़के हैं दिल्ली से जो अभी उतने पॉपुलर नहीं है लाइक जितने दूसरे रैपर्स हैं, और बहुत गान फाड़ एक है रेबल और एक है हुजूर, उनके साथ पॉसिबली गाना आ रहा है भाइयों, वर्स लिख लो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, बीट बना के दे दी है मैंने, वो जैसे जल्दी गाना आएगा उसको डाल देंगे हम लोग, लेकिन वो भी भाई बहुत बहुत गान फाड़ रैपर है। शॉट आउट टू रेबल अगेन एंड हुजूर महफिल, बहुत गान फाड़ भाई, नाम भी कतल है हुजूर महफिल, हुजूर महफिल हुजूर महफिल, आई थिंक उसका इंस्टा का यूजर नेम है और उसका रैपर नेम है हुजूर, बहुत गलत बंदा। तो ये गाना भी जल्दी आया, इस पर भी कुछ मोनू टाइप का ना बैठे, ये गाना भी जल्दी आया। अच्छा जाने से पहले भाई यू नो फॉर मेरे लिए एंड आपके फैंस के लिए यू नो दे वांट टू कोई रैप या तो फ्री स्टाइल या कोई रिटर्न यू वांट टू डू। हां फ्री स्टाइल मैं करता नहीं हूं, कर्मा वाला ही सुना दूं कुछ जो कर्मा के साथ आने वाला है। हां पता नहीं मोनू का उठेगा उस पर से, पर अभी मैं सुना देता हूं उसको, वो भी थोड़ा लेट होगा। हां नाम 47 है, ए नाम 47 है, गाली के गालिब है, जाली में काली कवाली के वालिद है, घर वाले बोले ये खाना नहीं खाता, बड़बड़ बड़ करता है गाना नहीं गाता, हेडफोन्स लगाएगा सब करे साइड में, गाने सुनते सुनते याद आती माता, ए नहीं चाहिए तेरी सलाहें भाई तेरा बहुत ज्यादा डीट है, ओ करूंगा जॉब ये खोलूंगा शॉप तेरे बाप ने कराई मुझे बीट है, नहीं ना नहीं ना नहीं ना तो तेरे को क्या सलाह के साथ पैसे दे रहे हो क्या, मेरे घर का खर्चा करता है तो बोल नहीं तो तू मत बता मुझे मेरी औकात, भाई 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 एक आइडिया दू अगले गाने में दे गालियां तू, माँ की कसम खा रहा हूँ फेमस हो जाएगा मैं खुद कर लेता पर खाली हाथ तू, वो नो भाई ओ क्या सुन के मानेगा माई, ओ करके तू छोड़ेगा साई को भाई को साइड हो, नाम 47 है काम ट्रिकारिश है, हाथों में खारिश है करी जो तूने सिफारिश, तो सारी गुजारिश है खारिज है, करता तू मेहनत कम है मेहनती हम, तू फैलता फैलते हम, दिखता जितना उतना है नहीं आसान, तो रहन दे बहन के अंग। गाली नहीं है ब्रो, देखो आपके लिए सेंसर किया है, ये मेरे को याद आ गया जब हम मेरे रेडियो स्टेशन में इंटरव्यू कर रहे थे, क्योंकि मैं तुम्हें और गाने नहीं सुनाऊंगा भाई, मुझे याद आ गया वो निकलेंगे सीधा सीधे सीधे। ये मतलब आजकल मैंने देखा बहुत सारे रैपर्स नो एक्सक्लूसिव नहीं करते शो यार, दिक्कत ये है कि मेरे से पहले अगर कोई वो लिरिक्स उठा के कोई और डाल देगा, पर आपने कर देखो क्यों उठाया, लोग करते हैं लोग, पर आई थिंक रजिस्टर भी तो आई थिंक रजिस्टर भी होते हैं लिरिक्स। हाँ कौन कराते हैं, मुंबई में तो कराते हैं चाहे जैसा भी शो है ये, ठीक है चाहे कुछ भी बोले लोग इसके बारे में, कुछ भी जो भी सीन है, जो बंदा यहाँ पे आता है वो रैपर लेजेंड हो जाता है। लाइक अगर एक रैपर का इंटरव्यू इस चैनल पे है तो मतलब ही हैज डन समथिंग, क्योंकि हर एक बंदे का इधर इंटरव्यू नहीं आता। हाँ वो सीन है, तो वो मेरे को अच्छा लगा कि फाइनली मैं यहाँ पे आया हूँ। हाँ बहुत टाइम से बात कर रहे थे हम लोग, तो मुझे लगा कि सही यू नो सही टाइम पे सही चीज़ करनी चाहिए, आज हमने भी करी, और मेरा फर्स्ट टाइम मेरा शो पर है तो आपको खाली जाने नहीं दूंगा। सो आपके लिए तो अर्बन मंकी और राज जोस की तरफ से एक गिफ्ट बॉक्स है, आप ये खोल सकते हैं, सब फाड़ सकते हैं, कर सकते हैं अभी करोगे। हाँ ओके अनबॉक्सिंग 47 करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ सोन पापड़ी निकल चाहिए, दिवाली नहीं है वो तो वैसे ही बढ़िया है, अर्बन मंकी सोन पापड़ी कैंची वैंसी दे भाई कैंची, अब फाड़ दो फाड़ दो ये
ये रिवाज पहले तो नहीं था, ये अभी राजू सुबह से कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा भाई के नहीं हो रहा है क्या? ओके कुछ कैप्स है आपके लिए क्योंकि यू नो दैट इज गुड वॉल स्केट ओल्ड स्कूल सेल फोन ये आई थिंक यू शुड वेयर यू नो फॉर स्टूडेंट मेक इट लुक ग्रेट अगेन सही है भाई दिस इज सम गुड स्टफ हियर I don't know if I'll wear it because बाल 47 हैं, बाल भी 47 हैं। So let's see. भैया shout out to Arun Monkey for this good shipment. They actually are supporting people. Yeah. Arun Monkey is बहुत सारे rappers one of the brands जो hip hop को support कर रहा है। Good stuff. Thank you so much. और thank you भाई आप मेरे show पर आए। Future में खतरनाक काम करते रहो और जी फाड़ काम करते रहो।